गुड आफ्टरनून गाइस, सो दिस इज द डे वाइज प्लान दैट वी विल बी फॉलोइंग थ्रू आउट सीसीएनए टू सीसीआई सिक्योरिटी. एक्चुअली वी हैव डिवाइडेड सीसीएनए टू सीसीआई सिक्योरिटी इनटू थ्री पार्ट्स, L1, L2, L3. इन L1 वी हैव 20 क्लासेस, in L2 we have I think 2 days combined day wise plan for L2 plus L3, so it will take around total 70 क्लासेस. इट विल इंक्लूड योर सीसीएनपी सिक्योरिटी ऑल्सो प्लस सीसीआई सिक्योरिटी ऑल्सो. फाइन, तो सबसे पहली बात, टॉपिक्स को इस टाइम पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है कि मैं ये चीज आपको पढ़ाऊंगा, मैं वो अभी डिस्कस करूं, कोई बेनिफिट नहीं है. क्यों? बिकॉज यू आर नॉट नोन टू दैट थिंग, आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है. लेट से मैं बात करूं दैट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ESA. ESA is email security appliance. किसी ने सुना आज तक ESA क्या होता है? नहीं सुना. So it will be very difficult for you to understand भाई ESA क्या होगा, ये सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं. Fine. So let me show you the day wise plan कि आपको भी पता चल जाए हमें आने वाले दिनों में पढ़ना क्या है. Day 1 दिख रहा है आपको, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, रीड कर पा रहे हो आप टॉपिक्स? Day 7, Day 8, Day 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो इन 17 डेज वी विल बी कंप्लीटिंग L1 मॉड्यूल ऑफ CCNA टू CCI सिक्योरिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट बी कंप्लीटिंग होल CCNA इन दिस मॉड्यूल. मैं कोई पूरा CCNA सिक्योरिटी नहीं पढ़ा रहा इसमें. फाइन, अब मैं आपको बताऊं CCNA सिक्योरिटी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव फायरवॉल्स, देन वी हैव VPNs, देन वी हैव IPS एंड IDS. अब प्रॉब्लम क्या थी, यस्टरडे आई वॉज थिंकिंग यार कल पहली क्लास है, मैं इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा. अब राउटिंग स्विचिंग का जब इंट्रोडक्शन देना होता है ना, तो वी डोंट हैव थिंग्स लाइक जिसके बारे में आपने सुना नहीं है. हमेशा ऐसी चीज होगी इसके बारे में आपने सुना होगा, पहले नोन टू हो गए. जैसे कि मैंने बोला एक टर्म नेटवर्क, मैंने बोली एक टर्म लैन, मैंने एक टर्म यूज की वैन. यू ऑल ऑफ यू विल बी फेमिलियर विद दोस टर्म्स. बट अब मैं यहाँ पे बोलूँ IPS एक डिवाइस होता है, IDS एक डिवाइस होता है, यू आर नॉट फेमिलियर टू दोस डिवाइसेस. तो प्रॉब्लम क्या, हम इंट्रोडक्शन में डिवाइसेस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते. इन दिस इंट्रोडक्शन वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट दोस डिवाइसेस. Fine. So I am just giving you a plan that yes, your CCNA security will be of 17 classes. Your CCNP to CCI security will be of 70 classes. So in total, it will take around 90 classes to complete this module. And with the time, I will be telling you about each and everything that we will be discussing. Fine. CCNA routing switching. हमने पढ़ा. If I ask you what is security, what you will answer? According to you, what is security? Only then I can start up this. अगर आपको यही नहीं पता कि security क्या है, fine. हम secure करना किसको? Network. देखो, अब वही बात. Network security and second term that I'm using right now here, information security. These are two different things or same thing? Sir, network security lies in information security. Network security part of information security. But I can also differentiate that yes, this is network security and this is information security. So guys, before discussing about what is network security, what is information security, first of all, let's discuss first point. What actually we want to secure? हम network में secure करना किसको चाहते हैं? हम नेटवर्क में सिक्योर करना किसको चाहते हैं?
अब मेरा कंसर्न है, ध्यान देना यहां पे बस, क्या लिखा मैंने टर्म, अब प्रोडक्शन नेटवर्क क्या है, वेरी गुड, प्रोडक्शन नेटवर्क का सिर्फ मतलब क्या है, रनिंग नेटवर्क या फिर रियल टाइम नेटवर्क, फाइन। तो जो पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या लिखा मैंने, रियल टाइम सिनेरियोस में एक नेटवर्क में कितने टाइप का ट्रैफिक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, मैं सीसीएनएस सिक्योरिटी की बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं सीसीएनए की सिक्योरिटी की बुक के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मेरे को पहले 2-3 दिन तो सिर्फ थ्योरी डिस्कस करनी पड़ेगी, और वो थ्योरी इतनी चाट है ना। हाँ देखो, लेट अस डू वन थिंग, आप 10 दिन मेरे से क्लास लो, उसके बाद आप वो बुक पढ़ना, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू कि बुक में वो कहना क्या चाहता है और मैंने आपको बताया क्या था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट दीज थिंग्स विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, मैं सिर्फ सिक्योरिटी को आपके सामने इस तरीके से लाऊंगा कनेक्ट करते हुए जो आपने पहले पढ़ा हुआ। मैं आपको सिक्योरिटी कोई नई चीज नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अगर मैंने नई चीज दिखाई तो माइंड में आ जाएगा ये तो नई चीज है, ये तो समझ में ही नहीं आएगी। तो वी विल ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट न्यू थिंग्स विद द ओल्ड थिंग्स, फाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक विल एग्जिस्ट इन रियल टाइम नेटवर्क। नहीं, एक मिनट, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम में कुछ कम्युनिकेशंस दिखाऊंगा और फिर टाइप ऑफ ट्रैफिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप मुझे बताना ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक कौन सा है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक कौन सा है। क्लियर टू एवरीवन? देखो, मैंने एक सिनेरियो बनाया, एक कंपनी का छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे, फाइन। डन। एसी स्विच वन मींस एक्सेस लेयर स्विच वन, क्लियर। AC switch 2 means access layer switch 2, distribution switch 3, distribution switch 4, clear? This is R1, this is R2.
this is Google. IP address of Google server is, someone was saying 8.8.8.8. It is address of DNS server. All of you know what is DNS? Okay. That is good for you. 10.1, 10.2, 10.3, 20.1, 20.2, 20.3. These are users. 20.4 is your server. Which server? Which server? HTTP server. Clear? Any problem? Let's say here users are in VLAN 20. Here users are in VLAN 10. Clear? So here I will be having SVI for VLAN 10 also and 20. Here also we will be having SVI for VLAN 10 also and 20. Your design clear hai aapko? Yes sir. Sabko? Yes sir. Anyone who is not clear with this design? Here I will be running HSRP also. Because we have redundant gateways. We have redundant gateways. Clear? Now, first type of communication I am representing with the green color. 10.1 is accessing this Google server. Sorry. This HTTP server, how it will access? Done. This is first type of traffic in the network. Second type of traffic. I am representing with the help of blue color. This user is actually taking access of this box. This box is my distribution layer switch. Clear? First, user 10.1 is communicating with, guys, spelling can be wrong. Fine. 10.1 is communicating with having IP. Second, user 10.2 is accessing distribution layer switch. Now, by how many ways we can access the device? All of you know? By how many ways we can provide access? By using telnet or by using SSH. All of you know this shit. SSH is secure, telnet is not secure. I will be coming to that point, but not now. Fine. So this is my second type of traffic. Third type of traffic is I am representing it with this color. Here, for routing purpose, we are running a routing protocol called OSPF. Fine. All of you know this thing, how routing will work between a layer 3 switch and a router. All of you know this thing? Okay, let me try to explain it in a different diagram. Guys, scenario will be like this. This is switch, distribution switch 3. It is connected to R1. On this switch, I will be having a SVI. Let's say this port is member of VLAN 100. On this switch, I will be having a SVI, interface VLAN 100. I will be having a IP, let's say 100.3. On this router's interface, I will be having a IP 100.1. What I will do, I will enable OSPF for which SVI? VLAN 100. On R1, I will be enabling OSPF on this particular
इंटरफेस क्लियर। अब राउटर क्या करेगा, इस इंटरफेस से हेलो भेजेगा। नाउ वी हैव एनेबल्ड ओएसपीएफ फॉर व्हिच एसपीएफ VLAN 100, so it will be sending OSPF hello packet on every interface which is member of VLAN 100. So it will send a hello packet on this interface as it is member of VLAN 100. Clear? Yes, sir. And they will form OSPF neighborship. They will form OSPF neighborship. It means third type of traffic that I am trying to define here is that is sent from the device and to the device. That is sent from the device and to the device. जो डिवाइस ही सेंड करेगा और किसके लिए, डिवाइस के। क्लियर? सो दिस गाय विल बी सेंडिंग अ हेलो पैकेट, दिस गाय विल बी सेंडिंग अ हेलो पैकेट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रैफिक वॉज फॉरवर्डेड बाय अ यूजर टू अनदर यूजर और इट कैन बी टू अ सर्वर। दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक is passing through my devices, networking devices, whether they are routers or whether they are switches. आप देख सकते हो पहले टाइप का ट्रैफिक पास हो रहा है हर डिवाइस से। So first type of traffic is called here data plane traffic. What we call it? Data plane means the traffic which will be forwarded by each networking device. Forwarded by. It is not for the networking device. And it is not also initiated from the networking network. Initiate कहाँ से हुआ? एक user से। जहाँ भी किसके पास रहा है? एक user के पास। Which is for user to user. And the traffic from one end user to another end user is called data plane. Passing from network to user. Yes, the type of traffic which is passing through my networking devices is called data plane. Data plane is clear? तो अब आपने रियल टाइम नेटवर्क के बारे में सोचना है, सोचो, सोचोगे याद आएगा। मैं बैठा हुआ था, मैं ना गूगल को एक्सेस कर रहा था, तो कैसा ट्रैफिक था वो? डेटा प्लेन। कैसा ट्रैफिक था? डेटा प्लेन। क्लियर? सेकंड टाइप ऑफ ट्रैफिक रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर, द टाइप ऑफ ट्रैफिक विच इज जनरेटेड बाय अ यूजर बट इट इज फॉरवर्डेड टू द डिवाइस। वो ट्रैफिक मैंने डिवाइस को फॉरवर्ड करने के लिए नहीं दिया, बट डिवाइस के लिए फॉरवर्ड किया है। आई एम फॉरवर्डिंग दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक टू द पर्टिकुलर डिवाइस। दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्लेन। व्हाट वी विल कॉल इट? मैनेजमेंट प्लेन। सो हेयर ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग डेटा प्लेन, ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग मैनेजमेंट प्लेन। थर्ड टाइप ऑफ प्लेन कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन मींस traffic from the device and to the device. Okay, let's say I have two switches. Switch 1 is sending CDP packet to switch 2. First thing, will switch 2 forwards it? No, it only for between both of them. Switch 1 and switch 2. Ab. It is generated by CDP. Main bolu? R1 or R2 ek link se connected hai. Fine? लिंक पता क्या होता है? तार, तार वायर जिससे आप दो राउटर को कनेक्ट करते हो। जितना भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है उसकी स्कोप लोकल टू द लिंक होती है। उसकी स्कोप मतलब मेरे लिंक से बाहर नहीं जा सकता वो ट्रैफिक। अब मेरे को पता है एग्जांपल क्या दिया किसी ने, इस भाई ने कहता सर हमने CCNP में स्पैनिंग ट्री पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अगर स्विच एक मल्टीकास्ट बीपीडब्ल्यू भेजता था और अगला स्विच उसको फॉरवर्ड भी, मैं क्या कह रहा हूँ, अगला स्विच उसको फॉरवर्ड नहीं करता, नया बीपीडब्ल्यू बनाता है। क्या बनाता है? नया बीपीडब्ल्यू। दैट सेम बीपीडब्ल्यू इज आल्सो नॉट फॉरवर्डेड। हम पढ़ाते हुए तो क्या बोलते हैं, मैं स्विच था, मैंने आपको क्या भेजा? एक बीपीडब्ल्यू। आपने बीपीडब्ल्यू आगे फॉरवर्ड कर दिया किसको? इसको। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, एक्चुअली व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस। मैंने बीपीडब्ल्यू भेजा किसको? आपको एक पोर्ट पे भेजा। आप जब दूसरे पोर्ट से उसको बाहर भेजते हो उसमें इंफॉर्मेशन चेंज होती है। देयर इज अ चेंज इन इंफॉर्मेशन इन द बीपीडब्ल्यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ, एक पोर्ट पे बीपीडब्ल्यू आया, फिर ने दूसरे पोर्ट पे नया बीपीडब्ल्यू जनरेट किया, नई इंफॉर्मेशन के साथ वो फॉरवर्ड किसको किया? इसको। मतलब बीपीडब्ल्यू की स्कोप ही क्या है? लोकल टू द लोकल टू द लिंक। क्या स्कोप है? लोकल टू द लिंक। सो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक विल ऑलवेज रिमेन
local to the link. So basically we have three types of traffic in the network. Fine, fine, agree. Third person के लिए क्या है? ये differentiate हम कर रहे हैं because we are network engineers. अगर एक unknown person आ जाए वो क्या कहेगा? मेरा data नहीं जा रहा. But he will say, I am not able to send data from this device to this device. It means for a third person, we have divided our network traffic into three parts. But for him, what is it? Data. But for him, what is it? Data. उसके लिए तो क्या है? Data. याद नहीं है? आप कॉलेज में होते थे. यार data ही नहीं जा रहा. Site नहीं खुल रही. Game नहीं खेल पा रहे. We are not connected. Connected show नहीं हो रहा. ऐसी बातें करते थे हम. तो एक जो बंदा networking में नेटवर्किंग से बिलोंग नहीं करता, फॉर हिम दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. बट समहाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक दैट आर फ्लोइंग इन माय नेटवर्क एज डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन. थोड़ा और बताता हूं उसके बारे में. यार ये कोर हो गया ना, कोर कोर नेटवर्क कोर लेयर. ये एक्सेस हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये कोर. कोई भी बात आपको क्लियर ना हो आप पूछ सकते हो. फाइन, अब डेटा प्लेन की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है सर. एक डेटा प्लेन ट्रैफिक कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इट कैन बी डीएनएस. आप एक यूजर से सर्वर पे तो ट्रैफिक भेजते हो, डीएससीपी सर्वर पे भाई मुझे क्या दे? आईपी दे. ऑल दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड डेटा प्लेन ट्रैफिक. क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रैफिक इज क्या है? मैनेजमेंट प्लेन. वी हैव टू प्रोटोकॉल्स दैट ऑल ऑफ यू आर नोन टू इन मैनेजमेंट प्लेन. वन इज टेलनेट, अदर इज. क्लियर? थर्ड थिंग इज कंट्रोल प्लेन. मतलब आई कैन राइट हियर अराउंड 50 प्रोटोकॉल्स जो सारे किसका पार्ट होंगे? कंट्रोल प्लेन. बट जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, यस दीज आर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक दैट विल बी मेंबर ऑफ कंट्रोल प्लेन. इतनी बात समझ में आई सबको? आगे चले. बट लाइक आई टोल्ड यू, एक मिनट, फॉर एंड यूजर इट विल बी डेटा. सो नाउ क्वेश्चन इज what is data? A piece of information stored on a device.
किसी ने कभी डेटाबेस पढ़ा? ओरेकल तक मजा, एसक्यूएल पढ़ी है? हाँ, कॉलेज वाले डेटाबेस पे आ जाओ, वहां पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट इज डेटा, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. क्या हर डेटा इंफॉर्मेशन होती है? बताओ, क्या हर डेटा इंफॉर्मेशन होती है? नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डेटा? ये जो भी फ्लो कर रहा है नेटवर्क में, ये है तो डेटा ही. व्हाट इज इट? वेदर इट इज कंट्रोल प्लेन और इट इज मैनेजमेंट प्लेन और इट इज डेटा प्लेन, है क्या ये सारा डेटा? वी आर फॉरवर्डिंग सम बिट्स, दोस बिट्स आर कॉल्ड डेटा. व्हाट वी कॉल दोस बिट्स? डेटा. Now, what is information? Useful data is called information. Useful data is called collection of bits is called data. Collection of bits is called data. And useful data is called information. मैं कबाड़ी की दुकान पे गया. What do you call kabaddi in English? The person who works the scrap. You know scrap? स्क्रैप डीलर. फाइन. तो मैं एक स्क्रैप डीलर के पास गया, मेरे को वहां कुछ बॉटल दिखी बियर की खाली, और मेरे को पता है मेरे पास ब्रूरी है अपनी, यू नो ब्रूरी, जहां बियर बनती है. मैंने बॉटल्स खरीद ली, फिलअप कर ली, तो कबाड़ तो बहुत सारा था. मैंने उसमें से जो मेरे लिए यूजफुल था वो उठाया और उसको क्या कर लिया, यूज कर. इट इज मोर ओवर लाइक. अब एक बात करते हैं, क्या इस नेटवर्क में कोई ऐसा डेटा है जो यूजफुल नहीं है? हो भी सकता है और नहीं भी. कैसे? कैसे? एक मिनट, एग्जांपल ले ले. हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन? वी हैव कॉन्फिगर्ड हियर अ प्रोटोकॉल कॉल्ड ओएसपीएफ. मैंने ओएसपीएफ के साथ EIGRP भी चला दिया. I am running EIGRP with OSPF. Possible है? Between two routers we can run multiple routing protocols. Which protocol will be used by default? Because of AD OSPF. So the data exchange by OSPF packet is not useful. Is not useful. But in real-time scenarios, you will not find this thing that the data which is exchanged between devices is not useful. Every time it will be useful. ऐसा करेगा नहीं ना कोई. This is not a real-time example. So what I am trying to tell you, collection of bits is called data. Second, what is information? Useful data is called information. Shall we move on? Now. क्या लिखा? क्या हम इस डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं? यूजफुल डेटा. किसको? यूजफुल डेटा को. व्हाट वी वांट टू सिक्योर? यूजफुल डेटा. दूसरी बात, कौन सा डेटा? मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन. ओके, इन CCNA यू हैव स्टडीड ACLs. यू रिमेंबर ACLs वर यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक, मैचिंग ट्रैफिक. अब आपको ACL एक नए तरीके से दिखाऊंगा. इन CCNA यू हैव स्टडीड ACLs. यू वर इंप्लीमेंटिंग ACLs एक्चुअली टू फिल्टर डेटा प्लेन ट्रैफिक. तो फिल्टर डेटा प्लेन ट्रैफिक. अब ऐसे मत कहना सर दैट वी कैन आल्सो यूज OS, वी कैन आल्सो यूज ACLs टू फिल्टर OSPF हेलो पैकेट्स. यस सर, वी कैन यूज ACLs टू फिल्टर
OSPF हेलो कंसेप्ट, वही कह रहा हूं ना आपको ACLs की अभी असली कहानी नहीं पता। ACLs आर बेसिकली यूज फॉर टू थिंग्स, टू डिफाइन एक्शन एंड टू मैच द ट्रैफिक, वेयर यू आर स्पेसिफाइंग दोज ACL और यू कैन से वेयर यू आर कॉलिंग दोज ACLs विल मेक द डिफरेंस, that you are using it for data plane or you are using it for control plane or you are using it for management. मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, तुमने ACL क्रिएट की, कर ली, बनाई, उसमें एक्शन स्पेसिफाई किया, परमिट या डिनाय, एड्रेसेस मैच करवाए, पोर्ट नंबर्स मैच करवाए, बना ली। ACL का काम क्या, एक्शन डिफाइन करना और मैच करना। ACL को उठा के इंटरफेस पे लगा दिया, अब वो कंट्रोल प्लेन भी फिल्टर करेगी और डेटा प्लेन भी। बट ऐसा भी हो सकता है मैं सेम ACL को कहीं और कॉल करूं और वो कोई और काम करे, जैसे जैसे PIGRP में अब मैं अगर ACL को डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ कॉल कर दूंगा तो वो राउट को फिल्टर करेगी, ट्रैफिक को फिल्टर। सो व्हाट थिंग इज स्पेसिफाइंग हाउ ACL विल बी यूज, क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि ACL कैसे यूज होगी, उसको कॉल करना, उसको कॉल करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न, दोबारा बताता हूं, मैंने एक ACL बनाई, ACL का जो काम है वो अपना काम कर रही है, लेकिन ACL मैं कहां इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इससे मुझे पता चलेगा ये ACL कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक फिल्टर करेगी या सिर्फ डेटा प्लेन या सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन। क्लियर? अब हम कौन से डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं? सो गाइस देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ डेटा, फर्स्ट वन इज या फिर आप ऐसा बोल लो डेटा ऑन रेस्ट। डेटा ऑन रेस्ट का मतलब स्टोर्ड लाइक इन पेन ड्राइव। और एग्जांपल दो, वेरी गुड, और एग्जांपल दो, हार्ड ड्राइव बोलो इसको, हाँ जी, और CDs, वेरी गुड, फ्लॉपीज और गिरो। अरे बहुत बड़े एग्जांपल है यार, जितने भी सर्वर्स हैं दुनिया में, ऑन ऑल द सर्वर्स डेटा इज स्टोर्ड, इट मींस डेटा इज एट रेस्ट, डेटा इज एट रेस्ट, सर्वर पे स्टोर पड़ा है ना डेटा, वो डेटा किस पे है, रेस्ट पे, मूव थोड़ा ना कर रहा है वो, दैट इज नॉट मूविंग। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इन मोशन, डेटा विच इज नाउ, इट कैन बी फ्लोइंग डेटा, तो तीन ही टाइप का होगा, या तो कंट्रोल प्लेन या मैनेजमेंट प्लेन या फिर डेटा प्लेन। फाइन, अब जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था ना, किसके लिए होती है वो, डेटा एट रेस्ट के लिए। द सिक्योरिटी दैट वी हैव टू स्टडीड, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सिक्योर मूविंग डेटा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सिक्योर मूविंग डेटा। हम क्या कैसे सिक्योर कर सकते हैं, मूविंग डेटा को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। समझ में आ गई सबको ये बात, सबको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है? सो इन आर कोर्स वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सिक्योर, हाउ वी कैन सिक्योर मूविंग डेटा। कोई प्रॉब्लम आपको, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ।
स्पीड ठीक है, हाँ स्पीड, किसी को ऐसा तो लग रहा हम तेज चल रहे हैं, वे चलेंगे नहीं कभी, अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं, फाइन। यस सर, ये जो EIGRP वो हेलो पैकेट होता है, इन दैट वी हैव TTL वैल्यू 2, व्हाई इट इज 2 लाइक, बिकॉज़ अब ब्रो अब मैं आपको बताता हूं, EIGRP हेलो पैकेट जिसमें आपने TTL वैल्यू 2 देखी है वो iOS 15.0 से पहले का बिहेवियर है, अब वाले में बनी होती है। मैं रीजन देता हूँ, उस केस में क्या होता था, कई बार आपको स्पोक टू स्पोक नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ती थी वाया हब, फ्रेम रिले चलाया हाँ, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती थी उसकी, अगर आपको क्या करना है स्पोक टू स्पोक नेबरशिप फॉर्म करनी है वाया हब, रिप में भी 2 होती थी अगर आपने देखी, OSPF में 1, और लेकिन आज के अपडेटेड iOS में हर IGP क्या TTL के साथ ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है 1। फाइन, नाउ नेक्स्ट थिंग, सो हमारे कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, हमें मूविंग डेटा को कैसे सिक्योर करना है, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई कि सिक्योरिटी में मैं क्या पढ़ने वाला हूं, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन को कैसे सिक्योर करना है, बन गई पिक्चर, एग्री। डेटा प्लेन सिक्योरिटी आप पढ़ भी चुके हो, पता है आपको ACLs बनाई थी ना, ये इसको टेलनेट ना कर पाए, ये इसको HTTP एक्सेस ना कर पाए, ये इसको SNMP एक्सेस ना कर पाए, ये सब चीजें पढ़ी थी ना। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस सम सिक्योरिटी टर्म्स विद यू, फाइन। ठीक है, डिस्कस करूं पहले, चल ठीक है। अभी मैंने क्या टर्म लिखी थी, डेटा, ठीक है, फेसबुक के लिए उसका डेटा इंपॉर्टेंट है, फेसबुक के लिए उसका डेटा इंपॉर्टेंट है या नहीं, फेसबुक क्या चाहेगा कि कोई भी उसके सर्वर को एक्सेस करके उस डेटा को एक्सेस कर ले, मैं दोबारा बात बता रहा हूं, वी आर डीलिंग हियर विद डेटा इन मोशन विद नॉट विद डेटा एट रेस्ट, तो मेरे को क्या करना है, फेसबुक सर्वर को कोई एक्सेस ना कर पाए, मेरा काम बस वहीं तक है, अगर किसी ने एक्सेस कर लिया उस इंफॉर्मेशन को अब कैसे सिक्योर करना है, दैट इज नॉट माय पार्ट, बट यस मैं डिस्कस करूंगा कुछ बातें जो हम वहां पे कर सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंसर्न हियर, फेसबुक के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सेम बात करूं याहू के लिए भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो गूगल के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, यस और नो, गूगल ड्राइव पे आपका भी वो डेटा पड़ा है जो किसी ने नहीं देखा आज तक, ये ऐसी चीजें हम गूगल ड्राइव पे ही रखते हैं, फाइन। इसका मतलब डेटा इज व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, मींस नॉट ट्रेजर, काइंड ऑफ ट्रेजर, सरल भाषा में बताओ, कीमती चीज, अरे जैसे मैं अपनी कंपनी के लिए एसेट हूं, आई एम अ वैल्यूएबल थिंग टू माय कंपनी, इतने में समझ आ जाना चाहिए एसेट क्या होता है, ठीक है मेरे भाई, तो डेटा इज इन अ सिमिलर वे एसेट फॉर कंपनीज, नाउ हाउ हाउ कंपनीज विल सिक्योर दिस डेटा, कंपनीज डेटा को सिक्योर करेगी कैसे, कंसर्न समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं, फेसबुक का डेटा है कैसे सिक्योर करे, तो सिक्योरिटी भी डिवाइडेड होगी आगे, सिक्योरिटी भी क्या होगी
डिवाइडेड. सबसे पहले मैं किस पे चलता हूँ, फिजिकल सिक्योरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल सिक्योरिटी? यस, we must have separate room for our servers. अब आप कहोगे ऐसा क्यों? मैंने क्या क्या किया, आपकी क्लास में सर्वर रख दिया. भाई क्या करता था, जाते हुए बंद कर देता था. अब एक बात बताओ, डेटा तो है मेरे पास, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई बेनिफिट उसके? अब फेसबुक का है, मेरे पास आपकी सारी फोटो सेफ पड़ी है, 5 दिन बाद एक्सेस मिलेगा. ऐसे थोड़ा ना यार, they want to give you service 24/7 रियल टाइम सर्विस. तो अवेलेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए ना. हम अपने सर्वर्स को इसमें लॉक करके रखेंगे एक रूम में, कि ऐसा ना हो कोई भी तीसरा बंदा जाते हुए बटन दबा गया. ओके, अब मैं रियल टाइम बातों पे आ जाता हूँ. इन रियल टाइम सिनेरियोस फॉर दी सर्वर्स वी हैव डेटा सेंटर्स. डेटा सेंटर्स, यस, ये सारे सर्वर्स कहाँ स्टोर करते हैं हम? कि कोई भी एरा गैरा तत्व गैरा जाके मेरे सर्वर को बंद ना कर दे. बंद भी कर सकता है, क्रैश भी कर सकता है, एक्सेस लेके क्रैश भी कर सकता है. कैसे? सर्वर से कंसोल केबल लगाएगा, सर्वर का एक्सेस लेगा और सारे डेटा को क्या कर देगा? डिलीट. सो दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड फिजिकल सिक्योरिटी. जो मुझे किसको प्रोवाइड करनी पड़ती है? अपने सर्वर्स. सेकंड थिंग, अब ये फिजिकल सिक्योरिटी थी, या फिर आप कंपनी को बोल सकते हो भाई मुझे सर्वर रूम के लिए क्या चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए. तो आप भी USA की तरह कोई FBI हायर कर लो अपने सर्वर्स को प्रिवेंट करने के लिए. फाइन, उसके बाद आती है क्या लिखा मैंने, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का क्या मतलब है? अभी समझ में आएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी. मींस कोई इंक्रिप्शन ऐसा सॉफ्टवेयर बना के उन पे अटैक कर दे सर्वर पे, डॉस. देख, ये तेरा सर्वर रूम है, दिस इज योर सर्वर रूम. ये अटैक वटैक सब बताऊंगा क्या होते हैं, मत भागो अभी. हाँ, ये आपका डोर है. इस डोर पे यार, उसको बारकोड मशीन बोलते हैं. अब आपको पता है बारकोड मशीन क्या होती है? असली में देखा ना हो, देखा हो फिल्म में जरूर देखा होगा, मूवीज में. कई बार क्या होता है, डोर ओपन करने के लिए मेरे को क्या रिक्वायर्ड होता है? थंबप्रिंट. कई बार रेटिना स्कैन रिक्वायर्ड होता है, या फिर आपके पास एक एक्सेस कार्ड होगा, आप टच करोगे बारकोड मशीन पे, गेट ओपन हो जाएगा. दैट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी. जिम तो मैं गया नहीं ना भाई कभी. आप जाते हो आपको देख के लगता है. तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का मतलब है, जो मेरा सर्वर रूम है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? लॉक कर सकता हूँ, कि मैं अनऑथराइज यूजर को एक्सेस ही ना दूं कि कोई उस रूम में एंटर कर जाए. ओके, आपने एक सॉफ्टवेयर सुना होगा बिट लॉकर. यस सर, विद द हेल्प ऑफ बिट लॉकर यू कैन पुट अ पासवर्ड ऑन योर पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव. सो व्हाट इज इट? It is also kind of physical security you are providing to your device, but with the help of a software. This thing is clear? Any problem in understanding this thing? No. अब बात करते हैं, ये जो डेटा सर्वर पे पड़ा है, फाइन, द डेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्वर, लेट्स से By hook or crook, someone is able to enter inside this server room. So how we can prevent data or secure data on the servers? पहली चीज क्या है? By encrypting it. Okay. Encryption क्या है? Cryptography सुना?
क्या लिखा हुआ ना? अब मैं उस डेटा का मीनिंग कैसे बदलूंगा वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे यार, कि क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है. फाइन, बट क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी भी बात के मतलब को बदल देना. चेंजिंग मीनिंग ऑफ डेटा. हाउ? लेट मी गिव यू अ एग्जांपल. लेट्स से आई हैव अ वर्ड, कोई भी इंग्लिश का थोड़ा बड़ा सा वर्ड बता. कल बदला लूंगा इसका. क्वालिटी. मैंने एक सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड लिखा, क्वालिटी. नाउ व्हाट आई विल डू, ऑल ऑफ यू नो एबीसीडी. क्यू इज विच नंबर अल्फाबेट? हाउ मेनी टोटल अल्फाबेट्स आर देयर? सो क्यू इज विच नंबर अल्फाबेट? खुद ही 23 बोला, फिर कह रहा 19 होगा ना. दो भी है सर. यू यार काउंट ही कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ. 21 ए एल आई टी वाई. नाउ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस वर्ड एज क्वालिटी, आई विल बी सेंडिंग दिस वर्ड लाइक दिस. मीनिंग इज चेंज्ड. दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. व्हाट इज एनक्रिप्शन? कन्वर्टिंग क्वालिटी इनटू दिस टेक्स्ट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन. एंड व्हाट इज डिक्रिप्शन? Converting this text back to quality. दोबारा बताऊं, Converting this plain text into this cipher text. What we call converted text, cipher text or cipher text. This particular thing is called encryption, and converting cipher text back to plain text is called decryption. There are many algorithms which are used for encryption and decryption, like AES, 3DES, DES, normal DES. Now, एक और बात अभी से बता देता हूँ. Throughout this course, I will never discuss this thing that how these algorithms will work. अगर आपसे कोई पूछे कि AES encryption कैसे करता है, that is not my part. ये मेरा काम ही नहीं है. मेरा काम क्या है? ये डिफाइन करना कि यहां पे कौन सी एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करना बेटर है, वेदर इट इज AES और इट इज 3DES और DES. तो इन एल्गोरिथम्स के बारे में हम बहुत ज्यादा बात करेंगे वीपीएन पार्ट. किसमें? वीपीएन पार्ट. क्लियर? क्रिप्टोग्राफी का मतलब समझ में आया? सो गाइस लुक हियर, क्रिप्टोग्राफी and all अब VPN कब आएगा? VPN का भी sequence बता देता हूं. First of all हम अपना L1 security module complete करेंगे. After that in L2 first of all I will start with firewalls, then I will start with VPN. Clear? So I think after 50 classes L3 का part है ना? नहीं, L2 का ही part है. L3 में कुछ advanced VPNs आ जाएंगे. VPN में भी तो advancement है ना, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? L3 मैं बता दूंगा आपको. क्रिप्टोग्राफी क्या होती है समझ में आया? तो सर्वर पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो कैसे सिक्योर हो सकता है? विद हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन. तो अब तक माइंड में क्या एक टेबल सा बन गया, हाँ भाई सिक्योरिटी की क्लास थी आज, सर ने क्या बताया था, तीन टाइप का ट्रैफिक होता है, यही तीन का टाइप का ट्रैफिक मुझे सिक्योर करना है. मेरे लिए वो टाइप ऑफ ट्रैफिक होता है, दुनिया के लिए क्या होता है? डेटा. तो लोगों को क्या क्या सिक्योर करना है? डेटा. डेटा कितने तरह का होता है? दो तरह का, मूविंग डेटा और डेटा एट रेस्ट. हम अपने कोर्स में किसको सिक्योर करना चाहते हैं? मूविंग डेटा को.
मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन, फॉरवर्डिंग प्लेन, ये सब क्या थे? मूविंग डेटा, मतलब इनको हम सिक्योर करना चाहते हैं, फाइन। और दूसरा क्या था? डेटा एट रिस्क, वो भी बताया मैंने आपको, या तो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो सर्वर को, या फिर क्या करो, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो उन फिजिकल सर्वर्स को, कैसे कि अनऑथराइज यूजर उन सर्वर का एक्सेस ले ही ना पाए। फिजिकल एक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, फाइन, बाय यूजिंग बारकोड मशीन्स, रेटिना स्कैनर्स, थंबप्रिंट स्कैनर्स, आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया जो सर्वर पे डेटा पड़ा हुआ है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी, और यू कैन यूज द कीवर्ड एनक्रिप्शन, यू कैन यूज द कीवर्ड एनक्रिप्शन। आगे चलूं, टू सिक्योर डेटा इन मोशन, वी हैव अ CIA मॉडल। CIA मॉडल क्या कहता है? तीसरा क्या है? अवेलेबिलिटी। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है ओनली ऑथराइज्ड पर्सन विल गेट एक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? डेटा हैज टू बी इन सीक्वेंस, मॉडिफाइड डेटा। इंटीग्रिटी बेसिकली मींस मॉडिफिकेशन। नाउ only modify, sir, routing me input the integrated data, integrity that data has to be built in, we can say quality of the data। ek minute, unke question ka jawab deta hu। hum routing switching mein integrity ka matlab kya padhte the? let me try to differentiate here। let's say I am sending some data to you, data integrity means it is not modified in the transit। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स इट इज नॉट मॉडिफाइड इन द ट्रांजिट। अब अगर कोई मॉडिफाई करेगा इसका मतलब उसको एक्सेस नहीं है डेटा का, फिर भी उसको एक्सेस मिल रहा है, तो मैं इंटीग्रिटी का मतलब क्या बता रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप मॉडिफाई कर सकते हो या मैं, थर्ड पर्सन मॉडिफाई नहीं कर सकता। बात को समझो, बात का मतलब अभी भी वही है। लाइक ही वॉज सेइंग इन CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग, how we discuss integrity, we discuss integrity like this, that if I am sending some information to you, only you are the person who is able to modify that information. Let's say he is in transit, what he is doing some kind of you can say man in the middle attack. You have heard of this? Yes, you have heard about this type of attack? Yes, yes. नहीं सुना? आप ऐसे समझो, मैं इसको डेटा सेंड कर रहा हूँ और सेम डेटा इसको भी मिल रहा और ये क्या कर रहा है? मेरी जगह इसको क्या सेंड कर रहा है? डेटा मॉडिफाई, डेटा को क्या करके मॉडिफाई। इट मींस अनऑथराइज्ड यूजर इज एबल टू मॉडिफाई डेटा। इट मींस माय डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट मेंटेन्ड, माय डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट मेंटेन्ड। सो व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी हियर? बेसिकली दैट द यूजर हु इज नॉट ऑथराइज्ड, ही और शी विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई माय डेटा। वो कभी भी मॉडिफाई ना कर पाए जिसको एक्सेस नहीं। बस DSCP स्नूपिंग होता है, स्नूपिंग अटैक होता है, मैन इन द मिडल अटैक होता है। यस, जैसे DSCP स्नूपिंग अटैक होता है, स्पूफिंग, सॉरी, स्नूपिंग इज द सॉल्यूशन। आपने
अपने नेम लिख दिए इसमें इतना समझ में आफ्टर 20 क्लासेस व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली ऑथराइज्ड पर्सन विल गेट द एक्सेस व्हाट इज इंटीग्रिटी Only authorized person can modify the data. What is the availability? Access must be available for 24/7 for authorized user. इतनी बात समझ में आ रही है? चलो आगे अब एक छोटा सा क्या करते हैं प्रैक्टिकल देखो यार कल से ना मैं रैक यूज करूंगा सारे प्रैक्टिकल्स के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट फिजिकल टोपोलॉजी इनटू लॉजिकल टोपोलॉजी ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट इफ ऑल ऑफ यू नो देन वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट थिंग अदरवाइज आई विल बी डूइंग ऑल द प्रैक्टिकल्स ऑन रैक डायग्राम क्लियर है सो गाइस दिस इज हाउ आई विल बी यूजिंग नेटवर्क्स ऑलवेज बिटवीन R1 एंड R2 12/8 बिटवीन R2 एंड R3 23/8 बिटवीन R1 एंड R3 13/8 डन तो ये ओहो दिक्कत हो गई भाई एक खुली रहेगी तभी ये चलेगी सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेनेवर आई विल बी ड्रॉइंग एनी टोपोलॉजी हियर यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स सो दैट यू डोंट हैव टू लुक फॉर टोपोलॉजी अगेन एंड अगेन On R1's interface, IP will be 12.1 on R2 12.2. Between R2 and R3, on R2 23.2 on R3 23.3. So it will be like this, guys. Look here. This will be the format for the IP. Clear?
किसी के पास एप्पल की डेटा केबल है? दे दिया आईपीस, ठीक है? चलो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डिस्कस हियर, सीआई मॉडल समझ में आया? प्रैक्टिकल करते रहेंगे, साथ साथ दिल लगा रहेगा। हाँ जी ठीक है, गलती निकाला करो तुम। बाय डिफॉल्ट पहला पासवर्ड ओके, लेट मी नेम इट एज सेकेंड लेवल 7 होता है वो, टाइप 7 नहीं होता। दोबारा बता रहा हूँ, आप MD5 तो नहीं समझते ना उसको, MD7 भी नहीं समझते ना। लेवल 7 सिस्को, थर्ड MD5, थर्ड MD5, क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्को कम अप विद प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, फाइन। आफ्टर दैट सिस्को कम अप विद लेवल 7। ऑल ऑफ यू नो दिस कमांड, what it will do? It will एक मिनट मैं अपनी लाइन को ठीक कर देता हूं, उसमें प्रॉब्लम है। With Cisco level 7 algorithm. All of you are clear with this thing? Running and future also. Running with future passwords. In future. If you will add some more passwords, they will automatically be encrypted, but only in running configuration, not in startup configuration. When you will write it, it will automatically be saved in startup. Fine? Now how to enable password, all of you know? क्या दिया? सिस्को, कोई इशू? यस, क्या दे दिया? CCNA security, show run. What is my password? Plain text. If anyone is having by running configure, he or she will get to know about my password. So what we can do, by default a feature called service password encryption is disabled. We can enable it. What will happen? Router will encrypt this password using visible.
password is encrypted, guys. Now again a question. Using? I will use the same CLI to decrypt it. Yes, sir. Fine. How? I have copied it. Fine. Have you heard about keychains? In EIGRP, you were using keychains, if you remember. Yes, sir. Fine. I have configured a keychain with a name. Test. Key ID 1. Key string. After that, we have option. I will be specifying here my hidden password. I will copy this password. Agree? Now try to understand. Whatever password I am defining will be encrypted in running configuration, yes or no? In running configuration, it is still showing encrypted password that I have specified, but yes. देखो try to understand होगा क्या, मैंने वहां पे encrypted ही define कर दिया. क्या define कर दिया? Encrypted password. Fine. अब router क्या करेगा वहां पे? मेरे को encrypted define थोड़ा करना था, define करना था normal. Router जब उसको keychain में रखेगा तो कैसा रखेगा? Normal ना. तो router ने खुद ही उसको क्या कर दिया? Decrypted. Router ने उसको खुद ही क्या कर दिया? Decrypted. So the password you are encrypting with Cisco level 7 algorithm, you can decrypt the same password using CLI or router by using which feature? That is called keychain. That is called keychain. So same password decrypt ho gaya. Ye password bhi kya ho gaya? Fail. Because if I have encrypted some password using Cisco level 7 encryption, we can easily decrypt it. Anyone will get to know about the password. So, Cisco come up with a third thing that is called MD5 password. That is called MD5 password. MD5 password will be enable secret. क्या रखा? CCNA security. Now this is your encrypted password. You can see here encrypted by which algorithm? MD5. And this by level 7. Now I think all of you know this thing. When we have both passwords in use, which password will be used? सबको पता है ये बात. तो सीक्रेट इज प्रेफर्ड ओवर एनेबल. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डिस्कस. व्हाट यू कैन डू? You can also specify a minimum length or the number of characters, minimum characters that you want to specify for the password. Is baat ka matlab samajh mein aaya? Nahi. Maine ek user banaya. Naam kya aapka? Vikram. Password kya diya? Kya bol raha hai?
After running this command, your password length should be minimum 10 characters. कितनी होनी चाहिए minimum? 10. If it is not 10, what will happen? Router will not accept the password. Router will not accept the password. जो password आप specify कर चुके हो, you don't have to change those. But from now onwards, the password you will be specifying will contain at least 10 characters. Will contain at least 10 characters. Clear? What is the by default value? I think 0. You can define any length password by default. So, sir, isme security kya hai? Jitna password bada hoga. But wo to hard to predict. यार ये जो पासवर्ड तुम डिफाइन करते हो ना लेंथ है पासवर्ड की फाइन उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइन लेट्स से मैंने क्या कर दिया भाई मिनिमम लेंथ कितनी स्पेसिफाई कर दी भाई 5 कैरेक्टर होने चाहिए एक पासवर्ड में मैंने यूजर बनाया नाम क्या आपका कितने करेक्टर आ गए दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टिंग द पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ये लेंथ 0 होती है ठीक है आप कितना भी बड़ा पासवर्ड डिफाइन कर सकते हो बट नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई एटलीस्ट दीज नंबर ऑफ करेक्टर्स तो मैं तो सिर्फ ये बता रहा था CLI पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो क्लियर अब ये तो हो गई पासवर्ड्स की बात फाइन नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस ओके ये थ्योरी कल डिस्कस करूंगा आज किसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं टेलनेट इज अ लेयर 7 प्रोटोकॉल यूजेस क्या लिखा यूजेस टीसीपी फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूजिंग पोर्ट नंबर 23 क्लियर नाउ ओके ये ज्यादा डीप हो जाएगा यस अरे क्वेश्चन देखो पढ़ के आए हो आप क्वेश्चन बताना जवाब देना बस यार ये क्या हो रहा है Let's say I'm on R1. All of you know the IP of R2 12.2. I will simply write here 12.0.0.2. What it will do? It will try to do telnet. क्या तो यार मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या क्या लिखा आ रहा है? Password required but not set. सामने मैंने कोई पासवर्ड सेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट इट इज एनेबल्ड क्या क्वेश्चन है
I'm getting the access. Done. Second. How to set password? Login. Sorry, password. Then login. Sabar to rakh lo yaar. Bhagta hai tu. मैंने पासवर्ड सेट भी कर दिया फिर भी उसने मांगा ही नहीं। मैंने लॉगिन प्रॉम्प्ट को ही क्या कर रखा है बंद। लॉगिन कमांड क्या करती है? जो आपका पासवर्ड प्रॉम्प्ट आता है ना, पासवर्ड प्रॉम्प्ट होता है कि भाई पासवर्ड बताओ, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉगिन कमांड। मैंने लॉगिन को ही क्या कर रखा है? नो लॉगिन। तो पहले लॉगिन ऑन करना पड़ेगा, फिर पासवर्ड क्या करना पड़ेगा? सेट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? यहाँ चेक करो, पासवर्ड तो सेट है लेकिन कीवर्ड क्या है? इट मींस पासवर्ड विल नॉट बी प्रॉम्प्ट। डन। What we can do to overcome it? We will use the keyword here. Done. So all of you know how to configure basic telnet. Okay, let me discuss one more thing. क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से गाइस। हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। एक्सेस लिस्ट के दो काम होते हैं, क्या लिखा? पढ़ो एक बार क्या लिखा। What type of traffic it will match, it will depend on the type of access. दो तरह की एक्सेस लिस्ट होती है, ऑल ऑफ यू नो, स्टैंडर्ड कैन ओनली मैच सोर्स एड्रेसेस, वेयर एज एक्सटेंडेड कैन मैच Clear? Now, if you want to call these ACLs, you have two options. First one is, second is, in access group, you can call any type of ACL. It can be, but, बताता हूँ, access group में हमेशा कौन सी ACL call करनी चाहिए? और एक्सेस क्लास में हमेशा कौन सी एसीएल कॉल करनी चाहिए?
मैं इसके पीछे आपको पूरा लॉजिक दे सकता हूं, मतलब ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा कि ऐसे नहीं बोल रहा मैंने भाई एक जगह पढ़ी थी तो मैं आप पे थोप दूं ये बात। आई एम नॉट पुटिंग दिस थिंग ऑन यू और एम्फेसाइजिंग दिस थिंग ऑन यू। आई कैन गिव यू अ लॉजिक व्हाई वी यूज स्टैंडर्ड ACLs विद एक्सेस क्लास एंड व्हाई वी यूज एक्सटेंडेड ACLs विद एक्सेस ग्रुप। ऑल ऑफ यू नो एक्सेस ग्रुप कमांड दैट यू ऑलवेज यूज टू रन ऑन द इंटरफेस एंड यू नो एक्सेस क्लास कमांड यू ऑलवेज यूज टू रन इट ऑन इन लाइन VTY। तो कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि एक्सेस क्लास और एक्सेस ग्रुप के साथ अलग अलग टाइप की ACLs हम क्यों यूज करते हैं। क्लियर? इनफ फॉर द डे।